मैं राकेश कुमार चंद्रा चंद्रा एक्यू पॉइंट टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स की 5वीं क्लास ले रहे हैं और इसमें जो आज का पॉइंट है वो GB39 है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का। इससे पहले हमने बोन एंड कार्टिलेज के लिए UB11 पॉइंट को समझाया था, उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू के लिए LU9 पॉइंट के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी टिश्यू का CB17 पॉइंट और मसल्स और टेंडन्स की बीमारी में किसी भी प्रकार की GB34 पॉइंट्स को आपको बताया था। तो आज की वीडियो में बोन मैरो से संबंधित, हड्डी के अंदर जो पदार्थ होता है बोन मैरो, उससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो GB39 पॉइंट को लेते हैं। तो GB39 पॉइंट बोन मैरो का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, आप इसका ज़रूर यूज़ करें यदि बोन मैरो से संबंधित समस्याएं आती हैं। तो ये पॉइंट लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है GB39, जो कि गॉल ब्लैडर, स्टमक, यूबी, मेरिडियन जो पैर में होती हैं उसकी बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है, पैर की बीमारी में, लेग की बीमारी में। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है यांग मेरिडियन का, ऑल यांग मेरिडियन लियो कनेक्टिंग पॉइंट। आगे आप देख रहे हैं, यदि रोगी अपनी बीमारी से रो रहा हो, रोने लगे आपके सामने, रो रहा हो, तो कहा जाता है कि इस बिंदु पर उपचार करने से वह रोना बंद कर सकता है। तो आप इस प्रोटोकॉल को जरूर इस्तेमाल करें और हमें अपने फीडबैक अवश्य भेजें। इसके बाद यदि किसी प्रकार से खून बह जाए और उसके कारण मरीज को कमजोरी आने लगे, सुनपन, ऐठन या घाव का दर्द हो, तो आप इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इन सभी के लिए। इस पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि GB39 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर यदि आप प्रेशर देते हैं या उपचार करते हैं तो जिनको गैस की बीमारी है तो इस पॉइंट पर उपचार करने से उसी समय गैस ऐसे निकलती है जैसे सोडा वाटर की बोतल पीने के बाद डकारे आकर गैस निकलती है। तो आप गैस की बीमारी में इस पॉइंट को अपने प्रोटोकॉल में ज़रूर शामिल करें। आगे इस पॉइंट के बारे में और क्या क्या इसके इंडिकेशंस हैं उनके लिए आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, लगातार बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत न करें, पूरी वीडियो देखें। आप हमारे चैनल पर बहुत वीडियो बनी हुई हैं, आप उनको हमारी वीडियोज के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और दूसरों को भी लिंक दे सकते हैं जिससे वे भी अपने रोगों से निजात पा सकें और बचाव कर सकें। ये पैरों में उतर जाती है नीचे और ये GB31, ये GB31 और उसके बाद GB32 ये पैर में, लेग्स में आ जाता है, उसके बाद ये GB33 घुटने के पास में और GB34 ये घुटना जो होता है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद GB35 ये GB36 पॉइंट और उसके बाद GB37 ये 38, 39 और GB40 ये एंकल के पास में आ जाता है। GB39 यह बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है, बोन मैरो के लिए भी बहुत अच्छा बिंदु है। यह बिंदु सभी प्रकार के वात दोषों को निकाल लेता है और यदि कोई रोगी रो रहा हो तो इस बिंदु पर अगर आप GB39 पर उपचार करेंगे तो एनर्जी बैलेंस होने से वो रोना बंद कर देता है। पागलपन में भी GB39 अच्छा बिंदु है, पेट में गैस बनती हो तो इस बिंदु पर उपचार करें, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। नाक से रक्त बहता हो, जोर की सर्दी लगी हो, नाक से पानी बह रहा हो,
कोबड़ निकला हो, पांव कमजोर हो, खूनी बवासीर हो किसी को, पाइल्स हो, तो उसमें भी ये लाभ करता है। गर्दन में दर्द हो तो भी आप यहाँ पर उपचार कर सकते हैं। जी बी 40 की यहाँ पर आगे के चित्र में आपको जी बी 39 बियोल पॉइंट की लोकेशन को समझाया जा रहा है, जो कि दोनों हाथों में मिडिल फिंगर के नाखून के नीचे वाला जो वाच ज्वाइंट होता है उसके नीचे ये पॉइंट आता है। तो जहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं ये जी बी 39 पॉइंट है, इस पर आप मेथी दाना स्टार मैग्नेट लगाकर अच्छा उपचार कर सकते हैं, या ओरिजिनल जी बी 39 पर भी आप उपचार क्लस्टर मैग्नेट के द्वारा कर सकते हैं या प्रेशर देकर कर सकते हैं। ओरिजिनल हाथ में भी आपको ये जी बी 39 पॉइंट को दिखाया जा रहा है इसकी लोकेशन को, तो आप यहाँ पर उपचार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पॉइंट के बारे में आपको बताया गया। तो अगली वीडियो को अवश्य देखें और इस आने वाली वीडियो का लिंक प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।